हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। यू आर विद टेक टॉक विद ललित। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ऐड ऑन इंस्ट्रक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हम ऐड ऑन इंस्ट्रक्शन, हमने एक स्टार्टर का डिफाइन किया था कि एक स्टार्टर को अगर हमें बार बार यूज करना है तो स्टार्टर का ऐड ऑन कैसे बनाते हैं। तो आज भी मेरा ऐड ऑन इंस्ट्रक्शन पर ही एक और वीडियो है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम वैल्यूज को ऐड करने का बेसिकली एक ऐड ऑन इंस्ट्रक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि जनरली आपने देखा है कि एक ऐड ऑन एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन में अगर एक ऐड इंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं तो मैक्सिमम दो वैल्यूज को ऐड कर सकता है। अगर मैं सब्ट्रैक्टिव की बात करूं तो मैक्सिमम दो वैल्यूज को ऐड कर सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि पांच वैल्यूज को ऐड करने का ब्लॉक हम ऐड ऑन ब्लॉक कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि हमने ऐड ऑन इंस्ट्रक्शन पर जाके हमने न्यू इंस्ट्रक्शन ऐड किया था जो कि स्टार्टर के नाम से आया था। आज हम न्यू ऐड ऑन इंस्ट्रक्शन बनाएंगे और इसको मैं यहाँ पे कोई भी नेम डिफाइन कर सकता हूँ। कैलकुलेशन, जैसे मैंने कैलकुलेशन के नाम का एक बेसिकली एक ब्लॉक बना लिया, एडिशन एडिशन कैलकुलेशन एडिशन के नाम का एक ब्लॉक बनाने जा रहा हूँ लैडर में। इसको ओके कर दीजिए आप। तो यहाँ पर पैरामीटर डिफाइन करने का भी आ रहा है, तो इसको हम बाद में डिफाइन कर लेंगे। फिलहाल लॉजिक में जाके एक लॉजिक राइट कर लेते हैं। तो लॉजिक मेरा क्या लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लॉजिक मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ से चले जाइए। पहले तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कंप्यूट मैथ हमें चाहिए होंगे। एक एडिशन मैक्सिमम क्या कर सकता है, एक एडिशन मैक्सिमम दो वैल्यू को ऐड कर सकता है। देन यहाँ पर तीसरी वैल्यू आएगी। उसके बाद हमें एक और ब्लॉक लेना पड़ेगा, यानी एक और ऐड ले लिया मैंने यहाँ से, राइट। यानी दो वैल्यू ऐड करके रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। देन ये कैरी फॉरवर्ड होके एक और एडिशन, यानी तीन एडिशन, देन चार, और एक और हमें यहाँ से चाहिए होगा, यानी टोटल पांच वैल्यूज को ऐड कराना है, राइट। इस तरीके से टोटल मैंने चार ऐड ब्लॉक यहाँ से यूज किए। तो अब आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि वैल्यू वन, एक मैंने यहाँ से एक टैग बना रहा हूँ, टैग न बोल के यानी पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ वैल्यू वन। देन उसके बाद यहाँ से वैल्यू टू, वैल्यू टू आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं। ये वैल्यू टू हो गया। दोनों का रिजल्ट टेम्परेली मैं स्टोर कराना चाहता हूं, तो टेम्परेली डेटा वन, टेम्परेली एक मेमोरी लोकेशन होती है, मैंने नेम डिफाइन कर दिया। ये टेम्परेली वन कैरी फॉरवर्ड होगा। अब यहां पे वैल्यू थ्री हो जाएगा। देन ये फिर से एक टेम्परेली डेटा रिकॉर्ड होगा, यानी टेम्प टू आप यहाँ से कर दीजिए, ये कैरी फॉरवर्ड होगा आगे। देन यहाँ से वैल्यू नंबर हमारी फोर जनरेट होगी। देन उसके बाद फिर ये डेटा हमारा टेम्प थ्री में जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से ये आगे जाएगा फाइनल, देन यहाँ से वैल्यू फाइव। तो इस तरीके से मैंने सारी वैल्यूज को यहाँ से डिफाइन कर दिया और ये फाइनल हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, ये सारे पैरामीटर हमें यहाँ पे डिफाइन भी करने पड़ेंगे। तो आप कैलकुलेशन एडिशन में जाके प्रॉपर्टी पे चले जाइए और पैरामीटर्स पे चले जाइए। तो पैरामीटर्स में यहाँ पे सबसे पहले आप वैल्यू वन, और ये मेरा क्या पैरामीटर है, इनपुट पैरामीटर। अब यहाँ से डेटा आपको क्या लेना है, आपको पॉइंट में वैल्यू ऐड कराना है तो आप यहाँ से रियल ले लीजिए, अगर आपको इंटीरियर में चाहिए तो इंटीरियर, तो मैं रियल ले लेता हूँ जिससे सभी का काम हो जाएगा। तो ये पैरामीटर स्टाइल फ्लोट आ जाएगी और ये मैं इनेबल देखना चाहता हूँ। इसके बाद मेरे को क्या चाहिए, वैल्यू टू चाहिए, ये भी मेरा इनपुट पैरामीटर रहेगा। ये डेटा मेरा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये भी फ्लोट आ जाएगा। इसी तरीके से वैल्यू थ्री मैंने यहाँ से ले लिया और इनपुट पैरामीटर रहेगा, और ये मैंने यहाँ से रियल ले लिया और ये भी मेरा फ्लोट हो जाएगा। देन यहाँ से ये वैल्यू फोर हो जाएगा इनपुट पैरामीटर, और ये भी मेरा रियल हो जाएगा। देन यहाँ से वैल्यू फाइव हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए ये रियल बन गया मेरा, और ये भी इस तरीके से। देन एक रिजल्ट मुझे चाहिए होगा फाइनल, जो मैंने वहां पर डिफाइन किया है रिजल्ट, जैसा वहां मैंने लिया है वैसे ही यहाँ पे लेना है, इस तरीके से आ जाएगा। देन अब यहाँ पे क्योंकि तीन डेटा मैंने टेम्प वन, टेम्प टू, टेम्प थ्री लिए हैं, उनको भी मैं यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ। टेम्प टू यहाँ से ले लिया एंड मैंने यहाँ से टेम्प थ्री ले लिया, तो ये भी मेरा डेटा क्या होगा, रियल होगा, रियल होगा, राइट। सारा डेटा मैंने रियल, बट इसको मैं इनेबल नहीं। अब मुझे कौन कौन सा पैरामीटर ब्लॉक में चाहिए, एक तो वैल्यू वन चाहिए, टू, थ्री, फोर, ये सारे चाहिए, यानी पांच तक तो ये चाहिए, एक रिजल्ट चाहिए, बाकी मुझे डेटा नहीं चाहिए। ये इंटरनली फंक्शन करेगा, अप्लाई करके आप यहां से ओके कर दीजिए। तो यहां पर देखेंगे सारे डिफाइन हो गए हैं। इतना करने के बाद आप मेन रूटीन में आ जाइए और एड ऑन में आप चले जाइए। एड ऑन में
एड ऑन में जब यहाँ पे जाएंगे आप, तो देखिए स्टार्टर वाला पहले लास्ट वीडियो मैंने बताया था, आज मेरे पास कैलकुलेशन का ये ब्लॉक आ गया है। आप देख पा रहे हैं ये कैलकुलेशन का ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल है। तो कैलकुलेशन के ब्लॉक में अगर आप यहाँ से देखेंगे ध्यान से, तो ये अभी लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है। अगर आपको राइट साइड की तरफ लेके जाना है, तो आप यहाँ से लॉजिक में थोड़ा सा पैरामीटर्स में आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे क्या करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि रिजल्ट आपको चाहिए, तो आप यहाँ से बेसिकली प्रॉपर्टी में जाके जो यहाँ पर पैरामीटर जो मैंने डिफाइन किए हैं, जितने भी पैरामीटर डिफाइन किए हैं, ये सारे आउटपुट यहाँ पे एक भी नहीं है। तो रिजल्ट में जाके आपको रिजल्ट आपको आउटपुट पैरामीटर लेना पड़ेगा। अप्लाई एंड इसको यस कर देंगे। यस करके ये मॉडिफाई करेगा अपने आप।